अंडर 14 कास्को टूर्नामेंट जिसका इनेकाद आज महकमा देही तरक्की कुलगाम ने नौ तैमीरशुदा आलपुरा प्ले फील्ड में किया है। आज आलपुरा और आमनू टीमों के दरमियान खेले गए फाइनल मैच के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। हम आपको बताएं कि इस मौके पर ज़िले तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने टीमों और बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनके हौसला अफजाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िले तरक्याती कमिश्नर ने खेल हमारी समाज और नफ्सियाती नशोनुमा में मुस्बत और तैमीरी किरदार अदा करते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट्स हमारे नौजवानों को तवज्जो मस्बत सरगर्मियों की तरफ मजबूर करने के काबिल बनाते हैं। ज़िले तरक्याती कमिश्नर के हमरा एसीडी कुलगाम मोहम्मद इमरान खान, एसीआर कुलगाम इम्तियाज़ुल अज़ीज़, मुकामी लोग और यहाँ के नन्हे मुन्ने खिलाड़ी मौजूद थे। पेश इस हवाले से कुलगाम न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। कि जहाँ तक टूर्नामेंट्स का सवाल है, डिप्टी कमिश्नर साहब की इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अभी तक हम जो हैं थोड़ा एज ग्रुप, बड़े एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स मुनाकिद कर रहे थे, अब हमने छोटे एज ग्रुप में जो है टूर्नामेंट्स मुनाकिद करना शुरू किए हैं। तो ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है जो इस वक्त विलेज आमनू में हमने शुरू किया है। तो ये टूर्नामेंट 4 या 5 दिन पहले शुरू हुआ था, तो आज इसका इख्तितामी मैच था और आज इस टूर्नामेंट में डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद इसमें हिस्सा लिया और इन बच्चों की हौसला अफजाई की। हमारी यही मैसेज रहेगी कि इन छोटे बच्चों को, जो नौनिहाल बच्चे हैं, ये अंडर 14 टूर्नामेंट था, इन नौनिहाल बच्चों को जिस तरह भी हो सके इनके अंदर जो है पॉजिटिव तरीके से जो चैनलाइज हो जाए, ताकि इनकी जो है फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बनी रहे और इनके फ्यूचर का भी इसमें जो है क्या कहते हैं उसको, इसमें प्रोविजन्स रहते हैं। जबरदस्त वेरी गुड।